हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सकती है, लेकिन अपने पति की दूसरी शादी वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ, चलो घर चलो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर भैया भाभी इस कृपा प्रसाद से माता पिता नहीं बने तो? यदि इस प्रसाद से तुम्हारे भैया और भाभी माता पिता नहीं बने तो ये माधवराव देशपांडे इस देवा का श्यामा उसी पल से अपने 72 जन्मों का संबंध साई बाबा से तोड़ लेगा। अच्छा सुन, ये ले। लेकिन ये नारियल आप मुझे क्यों दे रही हैं? तेरे घर के रास्ते में नदी आती है ना, इसे नदी में फेंक देना। जो मुझ पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। अब की बार जिस व्यक्ति को हमने साईं बाबा के विरोध के लिए चुना है और जिसे लेकर हम यहाँ से शिरडी जाएंगे, वो साईं बाबा का भक्त नहीं बनेगा। वो तो सारी दुनिया के सामने उस साईं बाबा का ढोंग, उसका पाखंड, उसका नाटक खोल के रख देगा। ए, कौन कौन है वो महात्मा है? एक हठयोगी वैजी, हठयोगी। वैजी जल्दी चलिए, योगी राज स्वामी योगेश्वर जी आ रहे हैं। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। कौन है ये स्वामी? ये पहुँचे हुए स्वामी हैं, जो साधारण लोग काम नहीं कर सकते
वो स्वामी जी कर सकते हैं। महाराज की, योगेश्वर 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 महाराज की। अरे आठ आठ दिन जमीन के अंदर समाधि लेते हैं। अन्न और जल के बगैर महीनों रह सकते हैं, इनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। क्या वो मेरे बाबा को ठीक कर देंगे? योगीराज स्वामी योगेश्वर जी ने अपनी योग विद्या से तुम्हारे बाबा से भी बुरी दशा वाले मरीजों को ठीक किया है। अरे लेकिन तुम तो सरकारी अस्पताल गए थे ना? हाँ, लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का उनके पास कोई इलाज नहीं है। स्वामी जी के पास हर बीमारी का इलाज है, वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। योगेश्वर महाराज की द्वारिका नाथ जी, मैं देख रहा हूँ जब स्वामी जी शिरडी में पानी के ऊपर चलेंगे तो मारे शर्म के वो ढोंगी साई पानी में डूब जाएगा। डूबो, डूबो, डूबो। डूबने और डुबाने वाला वो है और बचाने वाला भी वो है। मालिक ही मारक है और मालिक ही तारक है। वही होता है जो वो चाहता है। कोई कितना भी किसी का बुरा करने की कोशिश करे, कितनी भी किसी को बद्दुआ दे, उस मालिक की दुआ साथ है तो किसी की भी बद्दुआ का असर नहीं होगा। हट योगी योगेश्वर महाराज की जय। हट योगी योगेश्वर महाराज की जय। हमारी पूजा स्वीकार कीजिए और एक बार शिरडी जरूर आइए। हमने दोनों स्वीकार किए, तुम्हारी पूजा भी और तुम्हारा निमंत्रण भी। हम शिरडी अवश्य आए। स्वामी जी वो ढोंगी साईं अपने आप को परमेश्वर कहलवाता है। पाखंडी होते हैं वो लोग जो स्वयं को परमेश्वर कहलवाते हैं। मैं उस साईं बाबा को उसकी सही जगह बताऊंगा। मैं उससे पूछूंगा कि उसके पास कौन सी सिद्धि है, क्या तपस्या की है उसने। मैं साबित कर दूंगा कि वो एक मामूली इंसान है, उसके पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है। तुम लोग मेरा शिरडी आने तक इंतजार करो। हट योगी योगेश्वर महाराज की। अरे हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी योगेश्वर महाराज की। प्रणाम। हाँ ठीक है ठीक है। स्वामी जी मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ ठीक है जाओ। स्वामी जी मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए। हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट योगी योगेश्वर महाराज की। हट हट। अरे 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 रो मत बेटी, अपने बाबा से कहना जहाँ जहाँ स्वामी जी ने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ की धूल अपने शरीर पर लगा ले। अरे फंस गए तुम लोग उनकी बातों में। वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम लोग नहीं समझते ढोंगी है वो। आया बाबा, किस बात पे क्रोधित हुए आप? जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है तो मुझे क्रोध आता है नानावली। अपने आप को विद्वान ज्ञानी योगियों के योगी कहलाने वाले जब किसी की भावनाओं के साथ जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं तो मुझे क्रोध आता है।
अरे किसी का भला नहीं कर सकते, ना करो बुरा तो मत करो। किसी को सम्मान नहीं दे सकते, ना दो उसका अपमान तो ना करो। बुरा व्यवहार करके किसी की अवहेलना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी के हाल पर हंसना, उसका मजाक उड़ाना क्या आपको शोभा देता है? अपने आप को योगी कहते हो और अपने मन पर अंकुश नहीं लगा सकते। कैसे योगी हो तुम? शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। मैं जब दुखियों को पीड़ितों को देखता हूं तब मेरा मन अशांत हो जाता है महासभापति, अशांत हो जाता है। तो फिर ऐसे ज्ञानियों को समझाइए जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वो ज्ञानी ही क्या श्यामा जिन्हें समझाना पड़े। अरे दुख की बात यह है कि एक साधारण इंसान ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे योगियों को अपना भगवान समझता है। महासभापति क्या करूं मैं? दुखियों का सहारा बनो या ऐसे अहंकारी लोगों के अहंकार का विनाश करूं? ये सब देखकर वही सवाल मन में आता है महासभापति कि क्या इस शरीर की मर्यादा का पालन करते हुए मैं काम पूरा कर सकूंगा जो मालिक ने मुझे सौंपा है? सबका मालिक एक। अच्छा घर छोड़कर जा रही थी? अरे कुछ दिन रुक जा, तुझे तो ये दुनिया छोड़कर जाना है। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद अगर तूने घर छोड़ने के बारे में सोचा भी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ। क्यों, इसने तुझे विश्वास दिलाया है? नहीं, मैंने इसे विश्वास दिलाया है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या? हाँ माँ, तुम आशा मौसी को बोल दो कि वो लड़की वालों को संदेशा भेज दे, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्या बात है, कुछ पता भी है? तुम्हारी पहली बहू मैना के माता पिता आ रहे हैं। कहाँ? वो देखो। हाँ? रुक जा बहू, कहाँ जा रही है तू? माँ जी, माँ जी, वो कुछ नहीं, मेरी आज्ञा के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? और तुम्हारे माँ बाप आ रहे हैं, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करना वरना जुबान काट लूंगी तेरी। बृहस्पति जी के भविष्य के बारे में तेरे माँ बाप को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, बात समझ में आई? जी। तुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है? जी, कोई तकलीफ नहीं। तेरी सासू माँ तुझे बहुत प्यार करती है, करती है ना बहू? बोलो। अगर तुमने कुछ भी उल्टा पुल्टा कह दिया तो एक बात ध्यान रखना, रमाकांत के लाख मना करने के बावजूद मैं उसकी दूसरी शादी करा दूंगी। नहीं माँ जी। और तेरी बची हुई जिंदगी को नर्क बना दूंगी मैं। नहीं नहीं माँ जी। के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी, समझी? बलवान को अपने बल का प्रयोग निर्बलों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए।
ना कि अत्याचार करने के लिए। बुजुर्गों को अपने से छोटी उम्र वालों को अपनी छत्र छाया प्रदान करनी चाहिए, उनकी छत्र छाया छीननी नहीं चाहिए। मालिक चाहता है कि कोई किसी से नफरत ना करे, कोई किसी का तिरस्कार ना करे, सब एक दूसरे से प्रेम करें। जब हर तरफ प्रेम भावना दिखाई देती है तो इंसान को अद्भुत मना शांति का लाभ होता है, और ये मना शांति इंसान को संकेत करती है कि मालिक की दुआ उसके साथ है। सबका मालिक एक। अब तो आपको यकीन हो गया ना नाना साहब कि आपकी बेटी यहाँ बहुत खुश है। हाँ समथन जी, मन में बेचैनी सी थी इसलिए हम मिलने चले आए। मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसने मुझे कभी बेटी की कमी महसूस ही नहीं होने दी। अरे मैना, वहाँ क्यों खड़ी है? तेरे माता पिता आए हुए हैं, यहाँ आना आना। तुम कैसी हो बेटी? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, और माँ जी तो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। आप बताइए माँ कि आप और पिताजी कैसे हैं? जब तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं, क्यों जी? हाँ? संकोच न करना नाना साहब, पेट भर कर खाना, ये भी आप ही का घर है। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है समधन जी। अरे दुर्गा, तुमने रमाकांत की दूसरी शादी के लिए लड़की वर को इनकार क्यों कर दिया? अरे लेकिन तुमने तो आशा, रमाकांत दूसरी शादी नहीं करेगा। दुर्गा तुम भी ना गिरगिट की तरह रंग बदलती हो। समधन जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो पता नहीं क्यों ये आस पड़ोस वाले रमाकांत की दूसरी शादी के लिए मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये जो आशा आई थी, बहुत बड़ा रिश्ता लेकर आई थी, बहुत अमीर घराने का। समधन जी, हमारी बेटी मैना के अंदर कुछ कमी है? अरे नहीं नाना साहब, आप मुझ पर भरोसा रखिए, इतनी अच्छी बहू है मेरी। मैंने तो पूरे मोहल्ले वालों को कह दिया है कि रमाकांत दूसरी शादी बिल्कुल नहीं करेगा। अरे बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अरे नाना साहब को श्रीखंड परोस दो। जी बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? लक्ष्मी की माँ, जब कोई जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करने लगता है तो समझ जाना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में फर्क होता है। बाबा, लेकिन ये गुरुजी तो कभी आपसे मीठी जुबान में बात नहीं करते। इसीलिए तो मेरे श्यामा की कथनी और करनी में फर्क नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं, गुरुजी का दिल साफ है। इनके जो दिल में है वही होठों पे है। आपके दिल में क्या है देवा? हम तुम्हारे दिल की बात कर रहे थे श्यामा, और तुम मेरे दिल की हालत पूछ रहे हो। इधर उधर की बात मत कीजिए आप, साफ साफ बताइए
अहमदनगर की दामू अन्ना की पत्नी को बच्चा होने वाला है या नहीं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ श्यामा? आप सब कुछ बता सकते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। अरे महालसा पति, जरा इन्हें समझाओ। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है देवा, मैं सब जानता हूँ। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। उस दिन नानावली ने दामू अन्ना के बारे में बात छेड़ी थी। हाँ? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया। वो दामू अन्ना रहता है अहमदनगर में और मैं यहाँ रहता हूँ शिरडी में। शिरडी से कहीं बाहर गया हूँ मैं। नाटक तो बढ़िया कर लेते हैं आप, ये मैं जानता हूँ। लेकिन अगर आप शिरडी के बाहर नहीं गए तो आपको कैसे पता कि दामू अन्ना कोसार वणी में सप्तभृंगी देवी माता के दर्शन करने आने वाले हैं? बताइए। शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। अरे देवा ही मुझे आसान करते हैं मालसापति, और फिर तुरंत मदद करके सब ठीक भी कर देते हैं। अरे मुझे बेचैन देखकर इन्हें आनंद मिलता है। श्यामा गुस्सा छोड़ दो। तुम गुस्से में हो इसलिए तुम भूल गए हो कि कर्म पद रहस्यों से भरा हुआ है। इंसान का दायां हाथ जो काम करता है कभी कभी बाएं हाथ को भी उसका पता नहीं चलता, फिर भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। देवा मैं आप ही का भक्त हूँ, आप ही की तरह सच बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूँ, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं, कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ श्यामा, श्यामा रुक जाओ। मालसापति, मैं कुछ भी नहीं करता, फिर भी लोग अपने कर्मों के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। हर किसी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सबका मालिक हमारी मैना बहुत खुश नसीब है जो उसे आप जैसी माँ समान सास मिली है। अब हमें मैना की कोई चिंता नहीं है। माँ मुझे आपके साथ नाना साहब जल्दी कीजिए, आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। हाँ हाँ आप ठीक कह रही हैं नानी, चलो मैना बेटी अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। नहीं बेटी रोते नहीं, इसका बच्चे पर असर पड़ता है और हमारे साथ साईं बाबा का आशीर्वाद है। मुझे यहाँ से ले चलिए, ले चलिए। पता नहीं माँ अब आपसे कभी मुलाकात होगी या नहीं। बंद करो ये रोना धोना, ऐसे रो रही है जैसे इसके माँ बाप मर गए हो। माँ जी ऊंची आवाज में बात मत करना वरना तेरा गला घोट दूंगी मैं। बाप से मेरी बुराई करना चाह रही थी, बोल रही थी मुझे साथ लेकर चलो। बहरी नहीं हूँ मैं, सब सुना है मैंने। बहुत बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दिखा दिया तेरे माँ बाप के सामने मैंने। अब जा जा जाकर घर का काम कर। अगर मैंने रमाकांत की दूसरी शादी कर दी होती तो उसके ससुराल वालों ने ये घर सोने चांदी से भर दिया होता, पर मेरी किस्मत ऐसी कहाँ, मेरे नसीब में तो तू मनहूस है ना, कंगाल माँ बाप की कंगाल बेटी।
आंख फाड़ के मत देख। मुझे जल्दी से मेरा पोता दे दे और अपनी सांसें भगवान को दे दे। दूसरों के मरने की इच्छा रखने वाले क्या खुद अमर होते हैं? नहीं, यहां कोई अमर नहीं। एक दिन सबको मिट्टी के बने इस शरीर को त्यागना ही है, फिर ये नफरत क्यों, प्यार क्यों नहीं, एक दूसरे से दुश्मनी क्यों, दोस्ती क्यों नहीं? जिंदगी छोटी है, डूबता हुआ रोज का सूरज हमें मौत की तरफ ले जा रहा है। इस सत्य का साक्षात्कार होते हुए भी हम मालिक की भक्ति क्यों नहीं करते, क्यों आसक्तियों में ही डुबकियां लगाते रहते हैं? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ही हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और इस जन्म की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन में कृतज्ञता से मालिक को याद करके उसकी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। नफरत हमें मालिक से दूर ले जाती है, और प्यार मालिक के करीब ले जाता है। ये बात कब समझेगा महालसापति, कब समझेगा इंसान? मुझे माफ कर देना, जन्म जन्म का साथ देने का वादा मैं इसी जन्म में तोड़ रहा हूँ। हमारी बेटी जनी का ख्याल रखना, मेरे कारण तुम दोनों दुखी हो, इसीलिए मैं अपनी इस लाचार जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूँ। सुखी रहो। अच्छी नींद लगी थी मेरी तो। बाबा, जेनी के बाबा, बाबा, जेनी के बाबा, 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 जेनी के बाबा। जिम्मेदारियों से डरकर भाग रहे हो दादोबा? मैं हर तरफ हर जगह होता हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। बाबा, मैं अपने इस अपाहिज जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ठीक है, तुम अपाहिज हो, लेकिन तुम किसी के पति हो, किसी के पिता हो, क्या तुम्हारा उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है? तुम उन्हें छोड़कर चले जाओगे तो वो जिंदगी भर अपने आप को अपराधी समझेंगे। अपना और अपनों का उद्धार करने के लिए उस मालिक ने तुम्हें जिंदगी दी है। भगीरथी और जनी तुम्हें ढूंढ रही है, जाओ दादोबा, जाओ। बाबा,
जाएंगे पापा। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा गया था बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भागी। साईनाथ, आपकी आंखों में आंसू? साईनाथ, आप तो योगियों के योगी हैं, आपने तो विकारों को जीत रखा है साईनाथ। फिर भी मैं कभी कभी हार जाता हूं। मालिक ने मुझे लोगों का करुणा कर बनाकर भेजा है, इसलिए जब जब मैं कोई करुण दृश्य देखता हूं पिघल जाता हूं। मैं यहां हर किसी को करुणा देना चाहता हूं, उनका दुख दर्द दूर करना चाहता हूं, और इसीलिए उन्हें यहां शिरडी बुला लेता हूं। कई जगह तो मैं किसी दूसरे रूप में जाकर करुणा देता हूं। तुम्हारे साईं बाबा पर आज जिनका विश्वास है वो तत्काल मेरे पास यहां चले आते हैं, और जिन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है वो मुझसे दूर रहते हैं। जो मेरे पास आते हैं उन्हें मेरी कृपा का लाभ होता है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं महालसापति कि सभी मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी कृपा का लाभ उठाने सब शिरडी में आएंगे। मेरे शब्द याद रखना महालसापति। मेरे इस शरीर को त्यागने के बाद शिरडी में लोगों का तांता लगा रहेगा, लोग मेरी समाधि के दर्शन करने और अपने दुख दर्द से छुटकारा पाने आते रहेंगे। इतनी भीड़ होगी कि लगेगा लोगों का समुंदर शिरडी में प्रकट हुआ है। आज भी मैं किसी को निराश नहीं कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद भी मेरी समाधि किसी को निराश नहीं करेगी। हर पीड़ित पर, हर दुखियारे पर मेरी समाधि कृपा करेगी, उनके दुख दर्द का इलाज करेगी। बस मालिक से यही प्रार्थना है कि वो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर किसी की पीड़ा दूर कर सकूं। सबका मालिक एक। उर्मिला, अरे आप
आप मंडी नहीं गए? मैं तो मंडी जा ही रहा था कि माधव जी का खत मिला। क्या लिखा है? आदरणीय दामू अन्ना कोसार जी, सादर नमस्कार। विनंती विशेष, आपकी तरफ से मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिली, इसलिए ये खत लिख रहा हूँ। साई बाबा के कृपा प्रसाद से आपको बच्चे की आड़ तो जरूर लगी होगी, कृपया खत लिखकर बताइए। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। आपका मित्र माधव राव देशपांडे। अब मैं उन्हें खत लिखूंगा। क्या लिखेंगे? यही कि हम तुम माँ बाप बनेंगे। झूठ लिखेंगे? झूठ? हाँ, मैं कोई माँ नहीं बनने वाली। लेकिन तुम तो, आप भी ना सपने देखते रहे कि साईं बाबा के दर्शन करने से हम माता पिता बन सकते हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। एक नारियल खाने से कभी किसी को संतान हुई है क्या? सब ढोंग है, पाखंड है, कुछ नहीं हुआ है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। साईं बाबा और माधव राव जैसे लोग आप जैसे भोले लोगों को फंसा रहे हैं। मैं पहले की ही उर्मिला हूँ, मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। हमारा उपहास किया गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। माधव राव और साईं बाबा, तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया है। हमारी भावनाओं के साथ खेला है तुमने। आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है, हमारा उपहास उड़ाया है आपने। साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है, मेरी पत्नी उर्मिला माँ नहीं बनने वाली। हम जैसे बिना संतान वाले लोगों को नारियल देकर उन्हें और दुखी मत कीजिए। बस आपसे मुझे अब कोई संबंध नहीं रखना है। आप मुझसे संपर्क करने की कोशिश भी ना करें। आपके बहकावे में आया दुर्भाग्यशाली दामू अन्ना। माधव राव, जाओ, सामने तो द्वारिका माई है, जाओ जाकर अपने साईं बाबा के दर्शन कर लो। दामू अन्ना कोसार और उसकी पत्नी को जब संतान नहीं हुई तो क्या हुआ? जाकर मिलो तो साईं बाबा को। तुमने साईं बाबा के दर्शन ना करने की कसम खाई थी तो क्या हुआ? साईं बाबा ने तुम्हारी विनती को कोई महत्व नहीं दिया तो क्या हुआ? तुम तो साईं बाबा से 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं तोड़ा तो क्या होगा है? जाओ जाओ माधव राव, साईं बाबा के श्यामा जाओ, साईं बाबा के दर्शन कर लो। ये खत दिखाकर जवाब मांगने के बहाने ही उनके दर्शन कर लो। अरे गुरुजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? द्वारिका माई चलिए, साईं बाबा की आरती का वक्त हो गया है, चलिए ना, चलिए। जय साईनाथ आदि अनंत तुम्हारा।
समान बृहद वक्ष स्थल और भुज दंड दिशाएं विशाल सुलोचन पद वैकुंठ ल जाए प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा अपनी भक्ति की वजह से इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि भगवान और भक्त में कोई अंतर ही नहीं रहता। ऐसे भक्त भगवान का महात्म्य बढ़ाते हैं और ऐसे भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान भी बेचैन होते हैं। भक्ति में इतनी महान शक्ति है कि कभी कभी भगवान को भी भक्त की बात सुनने के लिए मजबूर कर देती है। भक्त जब रूठ जाता है तो भगवान उसे मनाते हैं और जब वो जिद करता है तब भगवान उसकी जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन भक्त और भगवान में विश्वास का जो रिश्ता है जब उसे ठेस पहुंचती है तब सपति जी, बाबा ने आज ऐसा प्रवचन क्यों किया? साईं बाबा आज मायूस लग रहे हैं। मालसापति जी, गुरुजी आज दिखाई नहीं दे रहे। वो आए तो थे, मैंने उन्हें द्वारिका माई के बाहर खड़े हुए देखा है। फिर वो गए कहाँ? आरती में भी नहीं आए। शामाब नहीं आएगा मालसापति। क्यों नहीं आएगा वो साईनाथ? बहुत जिद्दी है वो। मैं आप ही का भक्त हूं, आप ही की तरह सच बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपनी बात दोहराता हूं, दामू अन्ना कोसार को पुत्र लाभ नहीं हुआ तो मैं आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा आपके दर्शन करने, कभी नहीं, कभी नहीं। ये कैसे हो सकता है? बाबा का आशीर्वाद व्यर्थ कैसे हो सकते हैं? अनबन तो होती ही है मालसापति। गुरु और शिष्यों में, माँ बाप और बच्चों में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारों में अनबन होती रहती है। वैसे भक्त और भगवान में भी अनबन होती है। श्यामा मुझसे रूठ गया है, उसके विश्वास को ठेस पहुंची है। लेकिन एक बात वो भूल गया है कि उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक एक। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी। भाभी, भाभी, कहीं गुरुजी भी परिवार के साथ शिरडी से बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नूर, साईं बाबा की आज्ञा के बिना गुरुजी कभी कहीं नहीं जाते। गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था। हाँ, साईं बाबा उनके बिना
उदास थे नूर। लक्ष्मी की माँ, हाँ साईं बाबा मालिक हैं, और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं, मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं नूर। चलो गए, यहां क्या कर रहे हो? उदी नहीं तो क्या, ये मिट्टी तो है। साईं बाबा का नाम लेकर इसे उठा लेता हूं, उनकी कृपा से ये मिट्टी भी उदी बन जाएगी। साईं बाबा क्यों? आपने ऐसा क्यों किया साईं बाबा? मुझे अपने से दूर रखना चाहते थे तो मुझे संकेत दे दिया होता। मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चला गया होता, लेकिन देवा आपने तो मेरे विश्वास को ही ठोकर मार दी। क्यों किया आपने ऐसा देवा? क्यों किया देवा? क्यों किया? मैं अपने भक्तों में विश्वास जगाता हूं, ठोकर नहीं मारता। अपने भगवान पर किया विश्वास जब डगमगाता है तो भक्त अहंकार और अविवेक के अधीन हो जाता है। जब वो अहंकार और अविवेक को ठुकरा देता है, वो मुक्त हो जाता है, तो वो जान जाता है कि उसका भगवान उसके साथ है। वो ना उसे ठुकराता है ना उसके विश्वास को। इसलिए मैं हमेशा श्रद्धा और विश्वास पर जोर देता हूं। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धालु ही भक्ति कर सकता है, बिना श्रद्धा के भक्ति हो ही नहीं सकती। जहां श्रद्धा है वहां विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां सबर है। इसलिए श्रद्धा रखो, सबर करो। श्रद्धा और सबरी। बोलिए पुंडलिक वरदा। हरि विठ्ठल। श्री ज्ञान देव महाराज की जय। समाधि से जाग जाएंगे ना? सत्यानाश हो जाए।
क्या तुम्हें कोई शक संदेह है? अरे बिना हवा पानी के कोई जिंदा रह सकता है? अरे बंधु, अगर स्वामी जी के किसी शिष्य ने तुम्हारी बात सुन ली तो तुम्हें इसी समाधि में जिंदा कर देंगे। बोलो हठयोगी योगेश्वर महाराज की। स्वामी जी समाधि में लीन हैं। द्वारिकानाथ जी, स्वामी जी के चेहरे पे तेज देखिए। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। अगर स्वामी जी जिंदा बाहर आ गए तो हम जीत जाएंगे और साईं बाबा हार जाएगा। राम राम राम, सत्य वचन। क्यों वैद्य जी? हा? स्वामी जी तो लगता है कैलाशवासी हो गए। हम भी शिरडी वासी हो जाते हैं। चलिए चुप कर मूर्ख। हठयोगी योगेश्वर महाराज की जय। 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 साईं बाबा अपने आप को योगी राज कहलवाता है ना? जब हमारे योगेश्वर से सामना होगा तो इस साईं बाबा को समाधि लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आइए। अरे आप समाधि ले लेंगे। अरे मूर्ख चल जल्दी। जो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जीता है वही योगी है, और जिसे पैसे का मोह है, जो प्राप्त सिद्धि का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करता है, जो विकारों के अधीन है, वो योगी नहीं भोगी है। योगी मालिक के दूत हैं और मालिक के सौंपे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। सबका मालिक एक। मां कैसे है वैद्य जी? देखिए रमाकांत, मैं वैद्य हूं, गलत नहीं कहूंगा। दुर्गा अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। ये दवाई की शीशी लो और हर 2 घंटे पे 2-2 बूंद पिला देना। इसके पीने से इन्हें मरने में तकलीफ कम होगी। इनका दिल बहुत कमजोर हो गया है, इन्हें किसी भी वक्त दिल का दौरा पड़ सकता है और उसी से इनके प्राण भी जा सकते हैं। दिल का दौरा ना पड़े उसके लिए कुछ किया जा सकता है वैद्य जी? सिर्फ आराम। इन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ मत दो। नाराज मत करो, क्रोधित मत करो, इनकी हर इच्छा को पूरी करो। जो भी ये चाहती हैं उससे इनकार मत करो, क्योंकि इनकार करने से इन्हें गुस्सा आएगा और गुस्सा करने से खून उबलेगा। वो खून ही इनके दिल के दौरे का कारण बन सकता है। ऐसा नहीं होगा वैद्य जी, ऐसा नहीं होगा। हम माँ जी की हर इच्छा पूरी करेंगे। माँ जी आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। माँ हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सब नाटक है। कोई सुखी होने का नाटक करता है तो कोई धनवान होने का। कोई सेहतमंद होने का नाटक करता है तो कोई बीमार होने का, कोई अज्ञानी होने का तो कोई ज्ञानी होने का नाटक करता है। हर कोई यहाँ नाटक करता है। हर कोई बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ऐसे लोग दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, मालिक की आंखों में नहीं।
ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नाटक पर एक न एक दिन तो पर्दा गिरना ही है। कोई तो है जो नाटक करके बाबा के भक्त को सता रहा है। लेकिन बाबा इस नाटक का मजा ले रहे हैं ना। अब कैसी तबीयत है माँ? जिस माँ को अपने बेटे की चिंता लगी हो उसकी तबीयत ठीक कैसे हो सकती है? माँ जी आपको बोलने में तकलीफ हो रही है, आप मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? तो बच्चे को जन्म देकर मरने चली जाएगी, दुनियादारी से छूट जाएगी। अगर मैं भी मर गई तो रमाकांत और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कौन करेगा? रमाकांत? हाँ माँ। तो दूसरी शादी कर ले। मेरी बात नहीं मानेगा? माँ मैं ना माँ को दवाई दो। माँ जी की दवा तो आप है। याद है ना आपको वैजी ने क्या कहा था? इनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए, और आपने वचन भी दिया था। कह दीजिए माजी को कि आप दूसरी शादी के लिए राजी हैं। कह रहे ना आप? माजी बताइए ना माजी को। अपना अपमान सहकर भी जो अपमान करने वाले को सम्मान देता है वो इंसान दिल से सच्चा और अच्छा होता है, नेक होता है। अपनी निंदा करने वाले की भी जो प्रशंसा करता है वो इंसान सज्जन है। अपनी मौत की इच्छा करने वाले को जो जीवन देने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी के लिए मालिक से दुआ मांगता है वो महान है। सुख दुख सहते हुए भी जो दूसरों को सुख देना चाहते हैं वो लोग मुझे प्रिय हैं। मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूं मां। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा मां। मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। हाँ मां। तू मेरा अच्छा बेटा है, बस मेरे मरने से पहले दूसरी बहू ला दे। लाएगा ना? हाँ मां। दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन उसी खड्डे में वो भी गिर सकते हैं। उन लोगों को क्या कहें जो अपनी बदनसीबी को खुद दावत देते हैं। वो मालिक भी क्या क्या खेल खेलता रहता है।
कैसी कैसी लीला रचाता है। दे दो अपने कर्मों का हिसाब, दे दो दे दो दे दो सबका मालिक एक। अरे वैद्य जी ने तो रमाकांत को सचमुच डरा दिया कि मैं बस थोड़े ही दिनों की मेहमान हूँ। तूने उन्हें रुपए दे दिए थे ना? पूरे 25 सिक्के दिए थे। अरे आखिर तुझे दिल का दौरा जो पड़ने वाला था। दुर्गा बहन, हाँ? तुम्हारी बहू इधर ही चली आ रही है। हाँ? अरे आशा मासी, आप कब आई? अभी अभी बस आकर ही तो बैठी हूँ। अच्छा सुनो, तुम अपनी सासू माँ की सेवा तो करती हो ना? मैं ना दुर्गा को जल्दी से खिला पिला कर तंदुरुस्त बना दो। लड़की वाले चाहते हैं कि अगले 8-10 दिनों में रमाकांत की दूसरी शादी हो जाए। बाबा, मेरा और मेरे नाना नानी का विश्वास है कि आपकी मर्जी के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। आप भक्त वत्सल हैं, हमेशा भक्तों के बारे में ही सोचते हैं। इनकी दूसरी शादी होने वाली है, शायद इनकी दूसरी शादी में ही मेरी कोई भलाई होगी। जो आप फिर से इनकी शादी करवा रहे हैं बाबा, मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है। मेरी चिंता मुझसे ज्यादा आपको है। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, जन कपाल भगवंता। ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। बैठो बैठो, खुश रहो।
बाबा आपने बुलाया इसलिए हम चले आए। मैंने बुलाया? कब? आप ही तो इनके सपने में आए थे बाबा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम मैना बेटी के ससुराल गए थे और वहां से आपका दर्शन करने के लिए यहां चले आए। कैसी है मेरी मैना बेटी नाना? आपके आशीर्वाद से सकुशल है बाबा। हम नाना नानी बनने वाले हैं साईं बाबा। हमारी मैना दीदी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, वो ससुराल में बहुत खुश हैं। मैना बेटी की सास उस पर इतनी ममता लुटाती है कि उसे मायके भेजने को तैयार नहीं। कहती है कि उसकी बहू ससुराल में ही बच्चे को जन्म देगी। अरे नाना साहब, कभी कभी आंखें और कान भी धोखा खा जाते हैं। हाँ, वो जो हम आंखों से देखते और कानों से सुनते हैं ना, सदा वो भी सच नहीं होता है। लेकिन हमने सच ही देखा है नाना बली, और सच ही सुना है। हमारी आंखें और कान अभी तक इतने कमजोर नहीं हुए नाना बली जो धोखा खा जाएं। वैसे भी मैं अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान विद्यार्थी मानता हूं। मैं धोखा नहीं खा सकता। ज्ञानी जो हूं हमसे गलती हो सकती है बाबा, लेकिन आप मालिक हैं। अनजाने में अगर हमसे भूल हो गई हो तो हम पर कृपा कीजिए और उसे सुधार दीजिए। मेरी बेटी मैना पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, वो स्वस्थ और खुश रहे। सबका मालिक एक। नाना साहब, साईं बाबा के सामने आपने अपने आप को वेद वेदांत का विद्वान कहा, ज्ञानी कहा, तो क्या आपको मेरी विद्वता पर संदेह है? मैं संस्कृत का विद्वान हूं महालसपति, और मेरे ख्याल से तो साईं बाबा संस्कृत जानते ही नहीं होंगे। नमस्कार। साईनाथ, आप मालिक हैं। इसका साक्षात्कार हमें बार बार हुआ है। आपने कहा था अहंकार क्रोध की जननी है। अहंकार ही मनुष्य के मन में मैं मेरा पैदा करता है। तो तुम कहना चाहते हो महालसपति कि नाना के मन में अहंकार पैदा हो गया है? साईनाथ, आप सर्वज्ञ हैं। महालसपति, जब मेरा भक्त अहंकार के अधीन हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। आप दयालु हैं साईनाथ। नाना साहब चांडोलकर के अहंकार का दमन आप अवश्य करेंगे। सबका मालिक एक। साईं राम साईं।
निशान दुख भंजन तेरु नाम तेरे आने से हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम सुख धाम धन धाम भागी अब मैं थक गया हूँ अब और नहीं चला जाता पर हमें शिरडी जाना है बाबा शिरडी तो अभी बहुत दूर लग रही है बेटी और मुझे चलने में बड़ी तकलीफ हो रही है ऐसा ना हो कि मैं सीढ़ी के रास्ते में दम तोड़ दूं। शुभ शुभ बोली आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे आप ही तो कहते थे कि भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है साईं बाबा के दर्शन करने के लिए रास्ते में जो भी कष्ट होगा वो हम सहेंगे कितनी भाग्यशाली बेटी है तू लेकिन लेकिन दुर्भाग्यशाली है जो हम जैसे गरीब और लाचार के घर में पैदा हुई मैं भाग्यशाली हूँ माँ जो मुझे आप जैसे माता पिता मिले साईं बाबा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा और आप भी कहेंगे हम तीनों भाग्यशाली हैं मुझे होश में लाने के बाद और हम लोगों को खाना खिलाने के बाद मैना बहन ने क्या कहा था जरूर ठीक कर देंगे उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं कईयों की जिंदगी बदल दी है उन्होंने जो साईं बाबा पर विश्वास रखता है उन पर श्रद्धा रखता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है जब स्वामी योगेश्वर जी की पैरों के धूल से आप ठीक नहीं हुए थे तो उस आदमी ने क्या कहा था याद है ना आपको वो स्वामी कोई साईं बाबा थोड़े ही है जिनकी चरणों की धूल से बीमारी ठीक हो जाएगी तुम लोग नहीं समझते ढोंगी है वो कितना विश्वास है लोगों को साईं बाबा पर लेकिन हमने उन पर विश्वास नहीं किया हमने उन्हें ढोंगी समझा पाखंडी समझा वो मालिक है और मालिक दयालु होता है साईं बाबा हमें माफ कर देंगे हमें जल्दी उनके दर्शन करने चाहिए ताकि आप जल्दी ठीक हो जाएं साईं बाबा जब आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी तो हमने दरवाजा नहीं खोला अब हम आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रहे हैं कृपा करके अपना द्वार बंद मत करिएगा साई कथा अनंत है साई नाम अनमोल जन्म सफल हो जाएगा साई साई बोल गुरुजी को आरती के लिए आना चाहिए था
लक्ष्मी की माँ, साईं बाबा मालिक हैं और मालिक से ऐसे व्यवहार की गुरुजी से बिल्कुल उम्मीद नहीं। गुरुजी तो दुर्भाग्यशाली हैं, मालिक के सामने होते हुए भी वो मालिक से मिल नहीं सकते और ना ही उनसे बात कर सकते हैं। नूर चलो। सुनिए, आपके लिए शीरा बनाया है, खा लीजिए। मुझे अच्छा नहीं है। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया, दोपहर का भोजन भी नहीं किया, अब ये शीरा तो खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। मगर क्यों, आखिर बात क्या है? मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बेचैन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप नहीं, तुम्हें मेरे लिए भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं। आज से ना मैं कुछ खाऊंगा ना बूंद पानी पीऊंगा। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। अब मैं अपना ये जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैं तो भक्तों का दास हूं, भक्ति में ही निवास करता हूं। मुझे अपने भक्तों की चिंता हमेशा लगी रहती है। जिस भाव से जो मेरी भक्ति करता है, उस भाव से ही मैं उसे भक्ति का फल देता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। मेरा भक्त मुझसे कितनी भी दूर हो, उसकी सहायता के लिए मैं तुरंत पहुंच जाता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनके साथ होता हूं, उनका साथ देता हूं। वो जिस हाल में हूं, जहां भी हूं, मुझे उनकी पूरी जानकारी रहती है। मैं भक्ति का प्यासा हूं, भक्ति से समर्पित किया गया एक फल, एक फूल, एक पत्ता, एक आंसू भी मुझे जीत लेता है। सबका मालिक एक। हाँ, 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 क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। आप जल्दबाजी कर रहे हैं गुरुजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आपको एक बार साईं बाबा से मिलना चाहिए गुरुजी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा ली थी, यदि दामू अन्ना कोसार को साईं बाबा के कृपा प्रसाद से संतान नहीं हुई, तो मैं साईं बाबा के दर्शन कभी नहीं करूंगा। आप साईं बाबा पे अविश्वास दिखा रहे हैं गुरुजी। क्या साईंनाथ पे आपकी तनिक भी श्रद्धा नहीं रही, जो आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं? मैं प्रतिज्ञा से बन गया हूं मालसापति। लेकिन आपका और साईं बाबा का तो 72 जन्मों का संबंध है गुरुजी। प्रतिज्ञा के बंधन का कष्ट मुझे भी है सगुण, ये जीवन किस काम का? अगर मैं साईं बाबा के दर्शन नहीं कर सकता, अगर मैं उनकी आरती पूजा नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो यही है कि मैं इस जीवन से ही छुटकारा पा लूं। इंसान अपने कर्मों के बंधन से तब छुटकारा पा सकता है जब उसे मोक्ष मुक्ति मिल जाती है। जब इस दुनिया में भेजे हुए मालिक के बंधों की, संतों की, गुरुओं की कृपा उस पर होती है। सद्गुरुओं के बिना इंसान अपनी उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि विकारों से भरे हुए संसार के रास्तों से प्रभु के परम धाम के मार्ग के दर्शन सद्गुरु के बिना संभव ही नहीं। इंसान को अपने गुरु के वचनों का आदर करना चाहिए,
उन पर पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास रखना चाहिए। बिना कुछ प्रश्न किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उनके कल्याण की चिंता उसके गुरु को ही होती है। गुरु के वचन कितने भी कठोर क्यों ना हो, उससे ही इंसान का उद्धार होता है। मालिक के कृपा प्रसाद का साक्षात्कार करना है तो अपने दिल में भक्ति और विश्वास का दीप बनाकर उसमें प्रेम और श्रद्धा की ज्योति जलानी चाहिए। मालिक की कृपा होती है तो इंसान हर बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कर्मों का बंधन हो या प्रतिज्ञा का बंधन। सबका मालिक एक। श्यामा, तुम मुझे मिलने नहीं आते, इसलिए मुझे आना पड़ा। देवा, आप सपने में तो तुम मुझे नहीं टाल सकते ना। तुम तो 72 जन्मों का संबंध तोड़ना चाहते हो, लेकिन मैं संबंध तोड़ना नहीं चाहता। मैं भी नहीं चाहता देवा कि संबंध टूटे। फिर भी बच्चों की तरह मुझसे रूठ कर खाना पीना छोड़ दिया, क्यों? मुझे भगवान मानते हो और भूल जाते हो कि भगवान के लिए उसके भक्त भगवान होते हैं। भक्तों की प्रतिष्ठा भगवान की अपनी प्रतिष्ठा होती है, इसलिए भक्तों के वचन को भगवान सत्य करता है। तुम तो जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और तुम ये भी जानते हो कि द्वारिका माई में जो भी आता है उसका भला होता है। क्यों? क्योंकि मैं ही उन्हें बुलाता हूं श्यामा। इसका जवाब जाकर दामू अन्ना कोसार से पूछो। किसी दूसरे की गलती का मुझे जिम्मेदार मत ठहराओ। जहां श्रद्धा और विश्वास है मैं वहां हूं। क्या तुम्हारे दामू अन्ना और उनकी पत्नी के मन में मेरे लिए श्रद्धा और विश्वास है श्यामा? और अगर श्रद्धा और विश्वास है तो मेरा दिया हुआ नारियल उनके लिए सिर्फ नारियल नहीं, मेरा कृपा प्रसाद है। वरना नारियल तो नारियल ही है श्यामा। साईं बाबा, बाबा, देवा, देवा, बाबा, क्या हुआ गुरुजी? मैं ही मूर्ख हूं जो अपने भगवान पर अविश्वास दिखा रहा था, लेकिन अब मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मैं कल ही अहमदनगर जाऊंगा दामू अन्ना कोसार से मिलने।